हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की अपडेट के बारे में। साथ ही आपको आज के लेटेस्ट जॉब के अकॉर्डिंग अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 300 छात्रों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य के उन छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है जो परिवार की आर्थिक जो है हालत ठीक नहीं होने के कारण जो है जो मनपसंदीदा कॉलेज या पाठ्यक्रम में जो है दाखिला नहीं ले पाते हैं। ऐसे करीब जो है 300 छात्र को यहाँ पर जो है कंबाइंड पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पर मेडिकल साइंस एंड रिसर्च वह उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ द हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म द्वारा यहाँ पर निःशुल्क उच्च शिक्षा दी जाएगी। तो इनके द्वारा उच्च शिक्षा दी जानी है और इच्छुक छात्र यहाँ पर जो है 30 नवंबर तक जो यहाँ पर जो है CIMS दून की जो है वेबसाइट के जरिए यहाँ पर जो है आवेदन कर सकता है। तो 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं, 300 छात्रों को यहाँ पर निःशुल्क पढ़ने का मौका मिलेगा और मेरे लिए यह पुण्य का काम है, हेमंत पांडे। तो यहाँ पर देख सकते हो बॉलीवुड जो अभिनेता है हेमंत पांडे ने चेयरमैन ललित जोशी के प्रयास की जो है सराहना करते हुए कहा कि वे जो है इस पहल के साथ जो है वह दिल से जुड़ेंगे, ऐसा भी कहा गया। और शिक्षा जैसी यहाँ जो है अनूठी पहल को जो है प्रचार प्रसार करना उनके लिए यहाँ पुण्य का काम रहेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उच्च शिक्षा, राज्य में जो है 30 विश्वविद्यालय और यहाँ पर 89 जो है नए कॉलेज खुलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड गठन के बाद जो है राज्य में जमकर जो है उच्च शिक्षा संस्थान खोले गए और 22 साल में यहाँ पर जो है 30 नई विश्वविद्यालय और यहाँ पर 89 जो नए कॉलेज हैं उनकी सौगात यहाँ पर मिली है और दूरस्थ क्षेत्रों तक जो यहाँ पर कॉलेज खोल दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो यहाँ पर जो है सरकारी की तुलना में जो है प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिक जो है बने हैं और प्राइवेट कॉलेज को जो है विश्वविद्यालय में बदला है, इस तरह का बताया गया है। और राज्य गठन के बाद से जो है प्रदेश में जो है उच्च शिक्षा का जो है तेजी से विस्तार हुआ है और 89 जो डिग्री कॉलेज है उनकी स्थापना के साथ जो है नई जो 9 नई विश्वविद्यालय हैं उनका खुलने में प्रदेश में बड़ी उपलब्धि है। और वहीं बात करें यहाँ पर यूपी ही नहीं, उत्तराखंड में भी यहाँ पर जो है नीट के बिना किए गए थे आयुष में दाखिले। तो यहाँ पर देखते हैं कि यूपी में जो है नीट काउंसलिंग के बिना जो है आयुष कोर्स में जो है दाखिले पाने वाले 891 छात्रों को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया और कई अफसरों के निलंबन के साथ जो है जाँच की कार्रवाई यहाँ पर जारी है और पूरे मामले की जो है यहाँ पर CBI जाँच हो रही है। और यूपी में हो रही कार्रवाई को यहाँ पर जो है लेकर उत्तराखंड में भी जो हल्का हलचल है, तो उत्तराखंड में भी हलचल मची हुई है। और यहाँ पर जो है सामने आ रखा है कि बताया गया कि उत्तराखंड में 2020 में सामने आया था ये मामला, तो बताया गया कि इसमें जो 50 छात्रों की जो है सीटें खाली रहने पर जो है बिना काउंसलिंग दाखिले दे दिए गए थे उत्तराखंड में 2020 में। ये मामला जो है यहाँ पर पकड़ा गया है और नामांकन रोक लगा दी गई है। और वहीं उत्तराखंड में जो है मोबाइल ऐप से मिलेगी 427 सरकारी सुविधाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब एक मोबाइल ऐप से यहाँ पर जो है 427 सरकारी सुविधाएं यहाँ पे घर बैठे आपको मिल जाएंगे। प्रदेश सरकार जहाँ पर ज़्यादातर नागरिक सेवाएं अब जो यहाँ पर जनता को एक मोबाइल ऐप पर यहाँ पर मिलाने जा रही है। और यहाँ पर जो है सूचना प्रौद्योगिकी विकास NGO ने यहाँ पर जो है अपनी सरकार पोर्टल का जो है यहाँ पर अब मोबाइल ऐप भी यहाँ पर जो विकसित कर लिया। तो ये आपका है अपनी सरकार के नाम का ऐप है जिसमें यहाँ पर जो आपको शुक्रवार से लोगों को 427 तरह की यहाँ पर जो है सेवाएं मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेवाएं मिलने वाली हैं और 75 सेवाएं भी यहाँ जो है अभी मिल रही हैं अपनी सरकार पोर्टल में। तो अभी तक जो है 75 सेवाएं मिल रखी है लेकिन अब 427 सेवाएं जो है अब आपको यहाँ पर मिल जाएंगा। और वहीं बात करें यहाँ पर फर्जी प्रवेश और CBI सिफारिश के बाद जो यहाँ पर 891 छात्र यहाँ पर निलंबित। तो यहाँ पर देखते हैं फर्जी प्रवेश किए गए थे और इनमें यहाँ पर छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर 30 नवंबर तक के लिए यहाँ पर जो है खुला केंद्र सरकार का छात्रवृत्ति पोर्टल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन और इसके लिए यहाँ पर 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं और छात्रवृत्ति पोर्टल को खोल दिया गया है। इसके लिए यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति और यहाँ पर OBC और दिव्यांग और यहाँ पर दसवोत्तर छात्रवृत्ति एवं यहाँ पर जो है EBS छात्रवृत्ति योजना के तहत जो यहाँ पर पात्र अभ्यर्थी इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और इसके आपको DBT के माध्यम से यहाँ पर जो छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर आयोग की भर्ती में जो है मिले आयु छूट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाजपा के गढ़वाल सचिव जो है इंद्रेश मुखेरी ने यहाँ पर लोक सेवा आयोग हरिद्वार के अध्यक्ष को यहाँ पर जो है ज्ञापन भेजकर यूके पड़ोसी द्वारा यहाँ पर जो है आयोग को भेजी गई भर्तियों में जो है युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में जो है छूट देने की जहाँ पर मांग की है। और मुखेरी ने कहा कि यहाँ पर जो है यूके पड़ोसी द्वारा 2021 में यहाँ पर जो है पटवारी फॉरेस्ट गार्ड और बंदरक्षक के पदों पर जो है आवेदन मांगे गए थे जिनमें यहाँ पर युवाओं को आयु सीमा में 1 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई थी। लेकिन यहाँ पर अब वही जो है पद लोक सेवा आयोग की तरफ से भरे जाने की स्थिति में जो है आयोग
आयु सीमा की जो है यह छूट नहीं दी जा रही है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो है बताया गया कि पुराने फॉर्मों की जो है पंजीकरण संख्या तो मांगी गई है लेकिन आयु सीमा में छूट नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर आयु सीमा में छूट देने की बात कही गई है। और वहीं यहाँ पर शिक्षा लाभ कमाने का जरिया नहीं, उच्चतम न्यायालय ने जो है शिक्षा लाभ कमाने का जो है जरिया नहीं है बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो है ट्यूशन फीस जो है हमेशा सस्ती होनी चाहिए। और साथ ही जो है उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के यहाँ पर जो है आदेश को बरकरार रखा, जिसमें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में ट्यूशन फीस बढ़ाकर 24 लाख रुपये सालाना किए जाने के यहाँ पर राज्य सरकार के फैसले को जो है पर रद्द कर दिया गया था। तो यहाँ पर देख रहे ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए, इस तरह यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय में जो है अव्वल, तो प्रति व्यक्ति आय जो है अव्वल है और बजट में पिछड़ा। तो यहाँ पर देख सकते बजट में पिछड़ा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि उत्तराखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में अपने साथ जो है अस्तित्व में आए और झारखंड और छत्तीसगढ़ से काफ़ी आगे यहाँ पर निकल गए हैं। और हालांकि जो है सालाना बजट के मामले में है उत्तराखंड इन दोनों राज्यों की तुलना में जो है काफ़ी पीछे है। तो इस तरह का यहाँ पर आंकड़ा यहाँ पर सामने आ रखा है। और वहीं बात करें यहाँ पर 5 पहाड़ी जिलों में यहाँ पर जो है आज बारिश बर्फबारी बारिश के आसार बताए जा रहे हैं 5 जिलों में। और 2 दिन हो सकती है हल्की बारिश और फिर शहर सर्दी बढ़ने का अनुमान भी लगाया गया है। और 30 डिग्री और न्यूनतम जो है आपके यहाँ पर 14 डिग्री यहाँ पर चल रखा है पारा, इस तरह का बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर यहाँ पर जो है पर तेज होगा पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन का। तो यहाँ पर पुरानी पेंशन आंदोलन की बहाल की बात चाहिए है और कर्मचारी पेंशनर को यहाँ पर जो है मिली डीए की सौगात। तो यहाँ पर जो है 2.5 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनर को यहाँ पर 4% जो है बढ़ोतरी के साथ यहाँ पर किया जाएगा भत्ता। और यहाँ पर 34 से बढ़कर जो है 38 हो जाएगा महंगाई भत्ता। तो ये आपके होना है, इसके लिए यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक जो है यहाँ पर नकद मिलेगी एरियल। और वहीं बात करें यहाँ पर लक्ष्य सेन जो है अर्जुन पुरस्कार पाने के लिए यहाँ पर नामित किए गए हैं, जो कि उत्तराखंड से हैं लक्ष्य सेन, और इसके लिए अर्जुन पुरस्कार यहाँ पर मिलेंगे। जो दुनिया के जो है 6 नंबर के यहाँ पर बैडमिंटन खिलाड़ी बने हुए हैं। वहीं बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है समूह गौ की 12 भर्तियों के प्रस्ताव वापस लौटाए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अधूरे अध्याचन बने सरदर और रोस्टर से लेकर यहाँ पर जो है बताया गया कि सेवा नियमावली तक की गड़बड़ियाँ शामिल हैं। तो गड़बड़ियाँ होने की वजह से यहाँ पर जो है 12 भर्ती के प्रस्ताव जो है UKPSC की जो भर्ती समूह की भर्तियाँ थी आपके वो वापस लौटा दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि कनिष्क सहायक सहित जो यहाँ पर इन भर्तियों के अध्याचन अधूरे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग की 16 भर्तियों का कैलेंडर जारी हुआ, जिसमें से यहाँ पर जो है तमाम भर्तियाँ ऐसी हैं जिनमें यहाँ पर जो है एक जैसे पदों के लिए यहाँ पर जो है और आयोग ने लेखा परीक्षा के अलावा जहाँ पर विभिन्न विभाग कनिष्क सहायक हैं अध्याचन भी लौटा, कनिष्क सहायक के अध्याचन भी वापस लौट चुके हैं। इसमें यहाँ पर कुछ कमियाँ थी और विभाग ने दूर करने के लिए कहा। और कनिष्क सहायक का विज्ञापन इसी महीने के अंत में जो है विज्ञापन जारी होना था। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न विभागों में पर्यावरण प्रेक्षक प्रयोगशाला सहायक मानचित्र का प्रारूपकार और अन्वेक्षक कम संगणक है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी है, गन्ना प्रयोगशक है और यहाँ पर राजकीय दुग्ध प्रयोगशक है और बागवान प्रयोगशक है। इनमें कई अध्याचन जो है किसी ना किसी वजह से यहाँ पर अधूरे हैं और कुल मिलाकर जो है 12 प्रस्तावों को जो है वापस लौटा दिया गया। तो यहाँ पर UKPSC से ट्रांसफर हुई भर्तियाँ, तो ये मामला था। तो ये भर्तियाँ वापस ले लौटा दिए गए हैं और पूरे अध्याचन भेजने को कहा था। तो यहाँ पर देखते हैं पूरे अध्याचन भेजने के लिए बात कहे हैं। और सेवा नियमावली में भी सरदर्द, तो यहाँ पर सेवा नियमावली में भी सरदर्द बताया गया है आयोग के द्वारा। और वहीं बात करें पहाड़ में जो है शिक्षक नहीं, तो यहाँ पर देख सकते शिक्षकों की काफ़ी कमी चल रखी पहाड़ों में। और देहरादून में जो है मानक से अधिक जो है तैनाती, तो यहाँ मानक से अधिक जो है तैनाती देहरादून में शिक्षकों की है लेकिन पहाड़ों में जो है शिक्षक है ही नहीं। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था चली हुई है। प्राथमिक के यहाँ पर जो है 45 सहायक अध्यापक जो है पदोन्नत कर बनाए प्रधानाध्यापक। तो यहाँ पर 45 प्राथमिक शिक्षक को यहाँ पर प्रधानाध्यापक बना दिया गया है। और ये है यहाँ पर छात्र यहाँ पर छात्र शिक्षक मानक। तो यहाँ पर देख सकते छात्र शिक्षक मानक में 1 से लेकर यहाँ पर 60 तक में यहाँ पर प्रधान अध्यापक सहित 2 शिक्षक होने चाहिए। और यहाँ 60 से 90 तक यहाँ पर 3, और ऐसे यहाँ पर 91 से 120 तक 4 हैं। 5 में यहाँ पर 120, 21 से 150 तक और 151 से लेकर 180 तक में यहाँ पर जो है 5 शिक्षक और यहाँ पर 1 प्रधानाध्यापक। तो इस तरह का मामला चला हुआ है। और इसमें बताया गया कि पहाड़ के स्कूल जहाँ शिक्षकों के लिए यहाँ पर तरस रहे हैं, वहीं यहाँ पर दून में जो है छात्र संख्या की अनदेखी यहाँ पर कर मानक से अधिक जो है शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। और प्राथमिक के यहाँ पर जो है 45 सहायक अध्यापकों को यहाँ पर जो है प्रधानाचार्य बनाते हुए उनकी तैनाती की गई है। जिन स्कूलों में यहाँ पर जो है 3 शिक्षक होने चाहिए उसमें यहाँ पर अब प्रधानाचार्य सहित जो है 4 शिक्षक तैनात कर दिए गए हैं। तो ये मामला आ रखा है, आप लोग देखते हैं। और ये इन स्कूलों के मामले की बात है जिसमें हम लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। और वहीं बात करें NIOS DLED पर जो सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाली सरकार NIOS DLED को लेकर, और इसमें जो है 2724 पदों पर जो है
शुरू हुई थी बेसिक शिक्षक की भर्ती, तो यहाँ पर इन पदों की भर्ती शुरू हुई थी और 1849 अभ्यर्थियों को यहाँ पर किया जा चुका है। यहाँ पर तो लगभग जो है 1818 के करीब जो यहाँ पर इनका चयन हो चुका है। और यहाँ पर बताया कि राज्य सरकार जो यहाँ पर शिक्षा विभाग जो है सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ पर SLP तय करने की अनुमति दे दी गई है। और बेसिक शिक्षा निदेशक ने यहाँ पर जो है सरकारी अधिवक्ता को जो है मुहैया कराई संबंधित दस्तावेज जारी हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में अब जो है अपना जो है यहाँ पर दायर करने वाली है। और वहीं यहाँ पर मांग तो स्थापना दिवस पर हो स्थायी नियुक्ति की घोषणा, तो यहाँ पर स्थायी नियुक्ति की घोषणा की मांग कर रखी है। जल्द से जल्द जो है नियुक्ति की मांग इसमें चली हुई है, जो कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं इनमें, और इस पर जो है जल्दी नियुक्ति की मांग की गई है। और वहीं बात करें आज के जॉब अलर्ट को लेकर, तो UPPCL में यहाँ पर जो है 186 पदों की वैकेंसी, यहाँ पर सहायक लेखाकार के पदों की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आप यहाँ पर 1180 रुपये देकर, और 28 नंबर इसकी लास्ट डेट है, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर UPMRCL यहाँ पर 142 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, जूनियर इंजीनियर सहित अन्य पोस्ट हैं। और इसमें इच्छुक अभ्यर्थी 30 नंबर तक आवेदन कर सकते हैं और 590 पदों की वैकेंसी है। और WCL इसमें आवेदन कर सकते हैं 900 पोस्ट के लिए, 900 पोस्ट पर अप्रेंटिस की पोस्ट निकाले गए हैं। 18 से 25 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर जो है आपको 22 नवंबर तक आवेदन करना है, ऑनलाइन वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। साथ ही इन पदों पर भी आवेदन कर सकते हैं, जो कि आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि सैनिक स्कूल जो है तेलिया है, और यहाँ पर रामलाल आनंद कॉलेज है, और यहाँ सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय और प्रौद्योगिक संस्थान, यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भी वैकेंसी निकाली गई है, हुई है।